अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, क्या आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल क्रोम पर फाइल्स इस्तेमाल करते हैं? अपने कंप्यूटर के अंदर 50 या 100 तक क्रोम पर फाइल यूज़ करते हैं और आप हर क्रोम पर फाइल्स के अंदर वीपन एक्सटेंशन लगाते हैं और इसके अलावा लूपर एक्सटेंशन एंड यूट्यूब वीडियो कंट्रोलर एक्सटेंशन यूज़ करते हैं हर क्रोम पर फाइल्स को ओपन करके बार बार, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल क्रोम पर फाइल्स के अंदर वन क्लिक के अंदर आप तमाम की तमाम एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं, जो कि ये तमाम की तमाम एक्सटेंशंस है और ये एक फोल्डर है जिसके ऊपर आपने सिंपली वन क्लिक करना और ये सारी की सारी एक्सटेंशंस आपके तमाम क्रोम पर फाइल्स के अंदर ऐड हो जाएगी। ये एक्सटेंशन जो है एक लूपर एक्सटेंशन है, यूट्यूब वीडियो कंट्रोलर अर्बन वीपन एक्सटेंशन है और दूसरी एक्सटेंशन जो है वाईटी एक्सटेंशन मैनेजर है। सो गाइस, एक्सटेंशन मैनेजर का क्या मतलब होता है? अगर आपके कंप्यूटर के किसी प्रोफाइल के अंदर एक एक्सटेंशन ओपन नहीं होती तो आप सिंपली वन क्लिक के ऊपर एक्सटेंशन मैनेजर के जरिए उसी टाइम आप उस एक्सटेंशन को इनेबल कर सकते हैं। सो जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं उसके बाद हमें एक काम करना पड़ता है इनेबल के लिए। इनेबल करने के लिए बारी बारी आपको कंप्यूटर के जाना पड़ता है एक्सटेंशन के अंदर। एक्सटेंशन के अंदर आप जाते हैं और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एक्सटेंशन के अंदर जाते हो और फिर यहाँ से आप बारी बारी उन एक्सटेंशन को ऑन करते हो। सो अगर आपके पास एक्सटेंशन मैनेजर होगी तो आप सिंपली इसके ऊपर वन क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी एक्सटेंशन डिसेबल्ड होंगी वो आपकी सारी की सारी इनेबल हो जाएंगी सिंपली इसी एक एक्सटेंशन की मदद से। ये एक्सटेंशन बहुत ही काम की है। सो ये एक्सटेंशन काम आती है कि ये एक्सटेंशन जो है लूपर एक्सटेंशन, अर्बन वीपन, वीडियो स्पीड कंट्रोलर एक्सटेंशन मैनेजर, ये तमाम की तमाम एक्सटेंशन जब आपके क्रोम पर फाइल के अंदर ऐड हो जाती है तो आप इस एक एक्सटेंशन की मदद से इन सब एक्सटेंशन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि हम अपने क्रोम पर फाइल्स कैसे बनाते हैं और उनके अंदर किस तरह से एक्सटेंशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्रोम पर फाइल्स बनाता हूँ। क्रोम पर फाइल्स बनाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें। सो गाइज, यहाँ पर हमारी सारी की सारी एक्सटेंशन इधर मिक्स हो चुकी हैं। सो गाइज, ये रही हमारी एक्सटेंशन और यहाँ पर हमारी मेन एक्सटेंशन ये रही और यहाँ पर ये रही हमारी क्रोम पर फाइल जनरेटर। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आपको जितने क्रोम पर फाइल चाहिए उनको सिलेक्ट करना और आपने इसके ऊपर क्लिक करना और आपकी क्रोम पर फाइल्स रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर अभी आपकी तमाम की तमाम जितने भी आपने क्रोम पर फाइल्स बनाई वो बन चुकी हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और येस करेंगे तो आपने इसके बाद फिर येस करना और आपकी तमाम की तमाम क्रोम पर फाइल्स के अंदर ये एक्सटेंशन चली गई हैं। ये वाली जो तमाम की तमाम एक्सटेंशन है ये आपके तमाम क्रोम पर फाइल्स के अंदर जा चुकी हैं। So, अभी बात आती है कि इनको आपने इनेबल कैसे करना है। इनेबल करने के लिए सिंपली आपने इनको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपने थोड़ा सा वेट करना, एक्सटेंशन थोड़ा सा लोड हो रही है। लोड होने के बाद यहां पर आपने एक एक्सटेंशन को इनेबल करना है। फर्स्ट सबसे पहले जो एक्सटेंशन आपने इनेबल करनी है उसका नाम है एक्सटेंशन मैनेजर। सो यहाँ पर वन क्लिक एक्सटेंशन मैनेजर को आपने इनेबल करना है और उसके बाद अगर आप बारी बार इनको ओपन करोगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग सकता है। सो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर। आपने यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन आपको इनेबल करनी है उसको आपने ऐसे इनेबल कर लेना सिंपली वन क्लिक के ऊपर। सो गाइस, इसी तरह से आपने अपने तमाम क्रोम पर फाइल्स के अंदर एक्सटेंशन को इनेबल कर लेना है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ट्रिक आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। सो इससे आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और आप जल्दी से वीडियोस लगाकर अपना वाच टाइम कंप्लीट कर पाओगे। इससे पहले आप बात करते हैं कि ये वाली जो फाइल है ये आपको कहाँ से मिलने वाली है। अगर आप ये फाइल डाउनलोड ये वाली जो फाइल्स हैं ये तमाम की तमाम फाइल्स और ये मेन फाइल जो ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको आना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नेम आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है क्रफ डिज़ाइन। सबसे पहले यूट्यूब में आते हैं। यूट्यूब पर आने के बाद उस चैनल का नेम सर्च करते हैं। उस चैनल के ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। सो गाइज, उस वीडियो को आपने देख लेना है। यहाँ पर हम उस चैनल का नेम भी इंटर करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपने चैनल का नेम इंटर कर दिया। ये चैनल है, इस चैनल के ऊपर अभी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसको आपने देखकर आपने इन तमाम फाइल्स को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू।